हेलो एवरीवन माय नेम इज एस एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आपको ये सारे के सारे केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनने हैं देन यू गैस कैन गो एंड सर्च माय नेम सर्च एस ऑन स्पॉटिफाई आई नो काफ़ी सारे लोगों को सोते हुए सुनने होते हैं केसेज या फिर जैसे ना ऑडियो फॉर्म यू नो काम करते हुए घर का सो यू कैन गो ऑन स्पॉटिफाई एंड लिसन टू दिस एंड ऑल्सो जो आज का केसेस है वो मुझे लास्ट या रिकमेंड करा गया था वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्राम अरुणाचल प्रदेश नाह स्पेशली सो आई फाइनली अपने पति के साथ अरुणाचल प्रदेश में रहती थी वो जितनी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी उतनी ही लविंग केयरिंग एक डॉटर एक वाइफ और एक माँ भी थी और जल्द ही उसके परिवार में एक नया मेंबर ऐड होने वाला था मीना सात महीने प्रेग्नेंट थी और उसके परिवार के सारे लोग बहुत खुश थे इस फैमिली के सबसे न्यू मेंबर से मिलने के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन फिफ्थ नवंबर 2020 जब टैची कहीं का कार से जा रही थी उसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया था लेकिन जब पुलिस ने मीना की बॉडी को देखा देन दे न्यू द समथिंग वाज ऑफ सलास्लान अलमोर अवर टूडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड टैची मीना <laughs> टची मीना अपने परिवार के साथ नाहार लगन अरुणाचल प्रदेश में रहती थी वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और बचपन से ही टची बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड लड़की थी उससे रिलेशनशिप की वैल्यूज़ करना बचपन से ही सिखाया गया था वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती थी उन्हें इमोशनल सपोर्ट देती थी और तो और वो अपने दोस्तों को एनकरेज भी करती थी जब भी उन्हें लो फील होता था मीना को प्यार से सब अम्मू बुलाते थे और वो भले ही एक छोटे गांव से हो लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे वेल टू बी कम्प्लीटली ऑनस्ट आई हैव बेट नाहन मैं वहाँ तीन हफ्ते रहा था एंड

विल बिकम क्लोज टू हर और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आने वाली थी ऑफ कोर्स ऐसे को नहीं पता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में उसके रिलेशनशिप के साथ क्या होने वाला है बट शी वॉज ऑप्टमिस्टिक अबाउट इट जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो ईश्यूज क्वेश्चन आते ही हैं क्या इनके साथ मेरा लॉन्ग टर्म स्कोप है फ्यूचर में लेकिन अगर यही सारी चीज़ें हमें पहले से पता हो तो हमारी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी हमें कितनी क्लैरिटी मिल जाएगी अभी हाल ही में एक बात बताता हूँ मेरे रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी सारा ब्रेकअप पैचअप ब्रेकअप पैचअ बस यही हो रहा था तो एक दिन जब मैं इन सब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे अचानक से एसोटॉक का एड आया सो मैंने उसे डाउनलोड करा एंड यूजअली मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करता हूँ बट इट वॉज सो इंटरेस्टिंग जस्ट वेट एंड लिमिट अल्यू वहाँ पर मैं एक एस्ट्रॉजर से बात करता था जिनका नाम प्राची था एंड शी जस्ट आज भी माई बेसिक डिटेल लाइक डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों से क्या ही इफॉर्मेशन निकाल दी है मेरे बारे में सो आई स्टार्ट एड आस्किंग हर क्वेश्चन बोने मुझसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि आप किसके साथ हो आर थिंग्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन यू टू पहले मुझे लगेगा कहीं मेरी बंदी तो मुझसे बात नहीं कर रही पर फिर उन्होंने मुझे मेरे बारे में ऐसी चीज़ें बताई जो कि मैंने बस अपने एक दो दोस्तों को बता रखी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड एंड दैट जस्ट चेंज माई परफेक्ट अबाउट एवरी थिंग एंड आई स्टार्ट एड आस्किंग हर मोर क्वेश्चन अबाउट लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मेरे फ्यूचर में क्या होगा

घर में जाकर उसने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था शुरुआती दिनों में एक नई जगह और नए कॉलेज में एडजस्ट होना मीना को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था लेकिन फिर एक इंसान था जिससे मिलने के बाद मीना को एडजस्ट करने में आसानी हो गई थी क्योंकि मीना की मुलाकात होने वाली थी रोनी लीशी से रोनी लीशी अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का बेटा था और वो भी मीना के कॉलेज में ही पढ़ाई करता था दोनों को पहली मुलाकात से ही एक दूसरे की पर्सनालिटी और नेचर अच्छे लगे थे बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्टेड एड ईच अदर और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था तो दो साल के रिलेशनशिप में होने के बाद उन दोनों ने ये डिसाइड करा कि अब हम शादी कर लेते हैं तो इस बारे में रोनी ने अपने घर में बात करी और उसकी फैमिली रोनी लीशी की फैमिली मीना के घर चले गए मीना की फैमिली के घर चले गए शादी की बात करने के लिए अब जैसे कि मैंने बताया था मीना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी और रोनी तो एम का बेटा था विचमेंट दैट ही मिडिल क्लास मिडिल क्लास नहीं अपर मिडिल क्लास से भी थोड़ा ऊपर का बंदा था ये तो जब रोनी लीशी की फैमिली मीना के घर आई उसे शादी का प्रपोजल लेके तो उनकी फैमिली को कुछ समझ नहीं आया मीना की फैमिली दे क्लियरली न्यू दिस थिंग कि हमारे फैमिली के स्टेटस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है आई एम ब्रिटिश और अरुणाचल प्रदेश से जो लोग देख रहे होंगे तुम लोगों को पता होगा कि शादी करना इस सच अ टास्क ओवर दे ट्राइव वाली चीज़ भी है वहाँ पे वहाँ तुम लोग बाहर के लोगों से शादी नहीं कर सकते तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट या ये सोशल स्टेटस भी जो था वो मीना की फैमिली के दिमाग में था पर फिर लिशी फैमिली ने उन्हें कन्वेंस करा कि हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और मीना की फैमिली ने भी सोचा यार हाँ अगर इसकी शादी इसके प्यार करने वाले से हो जाए तो हमारी बेटी हमेशा खुशी रहेगी तो अपनी बेटी की खुशी देखते हुए मीना की फैमिली इस शादी के लिए मान गई थी और 2012 में रोनी और मीना दोनों की शादी ट्रेडिशनल वे में हो गई थी और शादी होने के बाद मीना रोनी के ईटानगर वाले घर में शिफ्ट हो गई थी एंड दे वर लिविंग हैप्पीली शादी के दो साल बाद यानी इन 2014 मीना और रोनी को उनका पहला बच्चा हुआ एंड इट वाज अ गर्ल सिर्फ मीना और रोनी ही नहीं बल्कि इन दोनों की फैमिली बहुत ही खुश थे मीना की फैमिली ये देखकर खुश थी कि उनकी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है उन्होंने उनके फर्स्ट बच्चे का नाम यूमिको रखा था और उसे मीना बहुत प्यार करती थी रोनी लिशी भी अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था एंड रोनी लीशी के अगेन ही एम एल ए का बेटा तो उसके बहुत ही सारे बिजनेस थे तो उसने अपने एक बिजनेस का नाम अपनी बेटी के ऊपर रखा जो कि था यूमिको ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड मीना घर के साथ साथ अपनी बच्ची का भी ध्यान रखती और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस सेक्रेटरी an का काम भी कर रही थी रोनी ने अचानक से मीना को डिवोर्स देने के लिए कहा और यह सुन के मीना तो शौक थी ही लेकिन उन दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा शौक थी क्योंकि अभी तक उनकी शादी वाली लाइफ उनकी शादी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी वर नो साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और किसी ने कुछ भी नहीं कहा था उनकी फैमिली से इस बारे में उन दोनों बीच में झगड़ा या फिर ऐसे कुछ इश्यूज भी नहीं थे सो दिस वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर एवरी काफ़ी कम्युनिटीज में आज भी डिवोर्स होने से पहले दोनों लोगों की फैमिलीज़ के साथ बैठ कर बातचीत करी जाती है एक दूसरे की राय जानी जाती है अपने अपने बच्चों को समझाया जाता है और कई बार दोनों लोग बात मान भी जाते हैं एंड द सेम थिंग विद रोनी एंड मीना दोनों की फैमिलीज ने उन दोनों को बैठा उनसे बात करी दोनी से डिवोर्स का रीजन पूछा कि अचानक तुम क्यों चाहते हो डिवोर्स उन्होंने उन्हें बहुत कुछ समझाया रोनी ने मान भी ली थी बात और फिर उसने के बाद रोनी को उनकी फैमिली द्वारा गया था, और ये पूरा पूरा रहे और उनकी फैमिली को लगा की ओके दो साल हो गए हैं अब सब कुछ सॉर्टेड होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था अचानक से दो में रोनी ने दोबारा से मीना से डिवोर्स मांगा एंड टाइम ही आउट हजार सत्रह और दो के बीच में थिंग्स वर नॉट सॉटेड बिटवीन दीज टू दोनों साथ में रह तो रहे थे लेकिन उनका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ वाला बिल्कुल भी नहीं था रोनी अक्सर बहुत दिनों तक घर से बाहर रहता और कहीं बार तो मीना अकेले युमिको को संभालती थी और तो और रोनी अब मीना को फिजिकली अब्यूज भी करने लगा था मीना को लगा था कि उनके बीच सब ठीक हो जाएगा इसी उम्मीद में वो रोनी को बार बार चांसेस देती रही एज अ सेट बिफोर वो रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करती थी बट थिंग्स फॉर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए मीना की फैमिली ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब कोई बातचीत नहीं करनी है उन्हें उन्हें चलेगा अगर उनकी बेटी उनके साथ रहेगी लेकिन अब वो अपनी बेटी को और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते हैं लेकिन फिर एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ हुई रोनी लिशी की फैमिली आई मीना की फैमिली से बात करने के लिए उनके घर एंड द रीज़न वॉज कि रोनी लीशी के फादर लीशी लेगी इलेक्शन में पार्ट लेने वाले थे उस साल और अगर ये बात बाहर पता चल जाती कि इनका बेटा डिवोर्स करने वाला है इनकी शादी में प्रॉब्लम है इनका बेटा इन्हें मारता है और अब ये अपनी दूसरी बीवी से भी डिवोर्स करने वाला है तो उनका जो पॉलिटिक्स में जो रुतबा रहता शायद से वो खत्म हो जाता है एंड यस यू हर्ड दैट थिंग राइट रोनी की पहली शादी नहीं थी मीना के साथ उसकी दूसरी शादी थी और उसने अपनी पहली बीवी को भी डिवोर्स दिया था इसीलिए उन्होंने रोनी को समझाने की कोशिश भी करी मीना को समझाने की कोशिश भी करी मीना की फैमिली को समझाने की, की, को की कोशिश भी करी लेकिन मीना की फैमिली इस बार मान नहीं रही थी उन्हें अपनी बेटी सेफ चाहिए थी सो दे अग्रीड फॉर डिवोर्स पर फिर अचानक रोने का मूड चेंज हो गया वो रोने लगा माफिया मांगने लगा मीना से और कहने लगा कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा दोबारा से वो ये कहता रहा कि उससे एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई है अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो ई वॉज लिटरली बैगिंग फॉर फर्गिवनेस उसने ये भी कहा कि वो मीना को लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा और एक नई शुरुआत करेगा उसके साथ प्लीज़ उसे एक और मौका दिया जाए मीना की फैमिली को पहले हेजिटेशन हुई ये के कि अभी तो ये कुछ और बोल रहा था अब कुछ और बोल रहा है पर फिर उन्हें लगा कि शायद से रोनी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हर आदमी से गलती होती है तो उसे एक और मौका देना चाहिए इसीलिए मीना की फैमिली ने और मीना ने भी रोनी को एक और मौका दिया एंड एज प्रोमिस्ड रोनी मीना और युमिको को लेके अपने नए ईटानगर वाले घर में शिफ्ट हो गया था इसके बाद एंड जस्ट लाइक दैट अपेरेंटली एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल वो मीना को अच्छे से ट्रीट करता उसके साथ टाइम स्पेंड करता अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता उन्हें ऐसे देखकर मीना की फैमिली को थोड़ा थोड़ा उस पर वापस ट्रस्ट होने लगा था और जब 2020 में उन्हें पता चला कि मीना दोबारा से प्रेग्नेंट है तो उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी की मैरिड लाइफ अब वापस ट्रैक पर आ गई है रोनी लीशी अब वापस पहले जैसा एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड बन गया है बच्चे की खबर सुनकर मीना और रोनी दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे एंड देवर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू चैप्टर ऑफ देयर लाइफ और जैसे ही मीना प्रेग्नेंट हुई रोनी उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखने लग गया था वो उसे सुबह उठ के उसके ब्रेकफास्ट बना के उसे बेड पे देता था क्योंकि मीना अब सात महीने से प्रेग्नेंट थी और वो ज़्यादा ट्रैवल ढंग से नहीं कर पा रही थी तो उसने उसके लिए एक नया ड्राइवर भी रखा था जो कि मीना को काम पे ग्रोसरीज के लिए या फिर किसी भी जगह ले कर जा सके एंड अगेन दे बोथ वर वर्किंग दे बोथ वर रिच तो इसी वजह से कभी कभी रोनी को ना अजीब अजीब से काम आ जाते थे एंड द सेम थिंग थिंगपन ऑन फिफ्थ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर को रोनी ने मीना से कहा कि खारसिंगसा में लैंड कंपनसेशन का काम है जिसके लिए मीना और रोनी दोनों को वहाँ जाना था लेकिन रोनी को कुछ काम आ गया था तो उसने मीना से कहा कि तुम चलो एंड आई विल मीट यू डायरेक्टली एट द लोकेशन मीना खारसिंगसा के लिए निकल गई एक वाइट इनोवा में जो कि उनका ड्राइवर चला रहा था ये जो रोड है ये कच्ची पक्की रोड है और इस रोड के दूसरी तरफ काफ़ी सारी झाड़ियाँ और खाई हैं उसी रोड पे एक दुर्गा मंदिर भी आता है उनकी कार ने वो मंदिर तो क्रॉस किया बट नेवर रीच कार नो अगेन जो ये रोड है आई हैव देयर एंड ये जो रोड है ये तक खाली रहती है स्पेशली 12 से 2 बजे के आसपास पर लकीली वहां पे उस समय कुछ लोग जा रहे थे और उनकी नजर पड़ी साइड में रोड के साइड में एक व्हाइट इनोवा पर जिससे उन्हें पता चला कि मीना की गाड़ी ट्रैक से हट गई थी ऑफ रोड जा चुकी थी इस पॉइंट पे और जिन लोगों ने मीना की गाड़ी को सबसे पहले देखा था दे कुड नॉट इवन हेल्प क्योंकि उसके नीचे ही खाई थी एंड देवर्स केयर फॉर देयर लाइफ तो इसीलिए ज्यादा हाथ ना लगाते हुए गाड़ी पे उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल करा जब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंची तो उन्हें मीना की बॉडी दिखी पैसेंजर सीट पे लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी उस समय मीना की पूरी बॉडी खून से कवर थी यहां तक कि गाड़ी के सीट के नीचे भी खून ही खून -खुण बड़ा हुआ था जो पुलिस वालों को थोड़ा सा ऑफ लगा गाड़ी का अपेरेंटली एक्सीडेंट हुआ था या फिर देखने पे तो ऐसा ही लग रहा था पर गाड़ी पर एक भी बड़ी खरोश नहीं थी या फिर एक भी बड़ा डेंट नहीं था एक्सेप्ट गाड़ी का बम्पर जो कि झाड़ियों से टकराया हुआ था बस वहां पर बम्प था उसके अलावा गाड़ी की विंडोज़ भी एकदम इंटैक्ट थी इस पूरे सीन में बस मीना की जो बॉडी थी वो ही ऑड लग रही थी क्योंकि भाई अगर गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है ऑफ रोड भी जाती है साइड में भी खिसकती भी है तो थोड़ा बहुत तो थो खरोच आनी चाहिए थी गाड़ी पे हम लोगों ने कभी वो गाड़ियाँ देखी है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ना सड़क के बगल में पड़ी भी रहती है सो दिस वॉज द सेम सिचुएशन पर ये गाड़ी एकदम नई की नई लग रही थी एंड नाउ इमेजिन दैट कार जो कि सड़क के बगल में पड़ी रहती है एक्सीडेंट के बाद वो कितनी बम्प्ड <laughs> रहती है सो समथिंग ऑफ इन दिस केस ऐसा कैसे हो हो सकता कि गाड़ी मेजर खरोश ना आई लेकिन पैसेंजर से खून निकल रहा हो पैसेंजर की बॉडी से खून निकल रहा हो और ड्राइवर गायब हो पुलिस को ये चीज़ पता थी कि यहां पे कुछ ना कुछ तो फिशी है लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के वो कुछ कह नहीं सकते थे फॉर श्योर sure. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मीना शी वॉज ब्लीडिंग एंड शी वॉज टॉर्म तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया गया बट अनफॉर्चुनेटली मीना कुड नॉट मेक इट एंड उनके साथ साथ उनका बच्चा भी वहीं मर गया था फाइनली सब कुछ अच्छा हो था रोनी और मीना के बीच में लेकिन एक, एक एक्सीडेंट की वजह से एक दिन की वजह से उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी लेकिन क्या सच में मीना की कई बार हमला किया था इतना ही नहीं उसके पर और आर्म्स पर भी गहरी चोटें थी ये सारी इंजरीज ऑब्वियसली किसी एक्सीडेंट से तो नहीं आ सकती हैं दिस वॉज एन टू मर्डर सीन पे मौजूद लोगों से जब पुलिस वालों की बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ पे कोई ड्राइवर वाइवर मौजूद नहीं था तो अब तलाश शुरू हुई उस ड्राइवर की पुलिस वालों ने सबसे पहले मीना के हस्बैंड को कांटेक्ट करा कि आपकी बीवी के साथ ये ये हो गया है फिर उन्होंने रोनी से उस ड्राइवर का कॉन्टेक्ट नंबर मांगा और उसे ट्रैक करने लग गए वो लोग और उस ड्राइवर को फाइनली पकड़ा गया नाइन्थ नवम्बर को और उस ड्राइवर का नाम था दथांग सुंग दथंग की रोनी के यहाँ नई नई नौकरी लगी थी और नौकरी लगने के एक ही हफ्ते में ये होना वॉज़ वेरी ऑर्ड लेकिन बट वॉज इवन मोर ऑर्ड वॉज दथांग का स्टेटमेंट उसने पुलिस से कहा कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे जिसकी वजह से गाड़ी ऑफ रोड हो गई थी और झाड़ियों में गिर गई बट अगर ऐसा कुछ होता तो ड्राइवर कैसे बच गया वो भी तो उसी गाड़ी में बैठा हुआ था ना और फिर वो वहां से भागा क्यों और अगर भागा भी तो उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं करा दथांग को लगा दैट ही वॉज़ रियली कुकिंग अप समथिंग और पुलिस को उसकी स्टोरी पे विश्वास हो जाएगा लेकिन पुलिस दे आर नॉट स्टेड पर थोड़ा सा प्रेशर डालने के बाद दथांग ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था और जो कुछ भी उसने कहा वो सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए सुनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था उसने ये कहा द दिस वाज़ नॉट एन एक्सीडेंट दिस वाज़ अ प्लैंड मर्डर उसी ने एक दूसरे इंसान के साथ मिलकर मीना को मारा था बेसिकली उसका ये कहना था कि उसने और एक दूसरे इंसान ने इन दोनों को हायर किया गया था टू किल टची, मीना और उन्हें हायर करने वाले इंसान का नाम था रोनी लीशी अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई ये वीडियो देख रहा था तुम लोग के लिए तो ये शॉकिंग नहीं होगा लेकिन यस इट वॉज़ हर हस्बैंड ओनली और ये एक बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है जो कि शुरू हुई थी दो से जब रोनी ने पहली बार मीना से डिवोर्स लेने की कोशिश करी थी एक्चुअली रोनी लिशी का एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर था जिसका नाम था चूमी तया एंड रोनी इस चूमी लड़की को बहुत ज़्यादा चाहता था बिकॉज शी वॉज यंगर एंड पिटियर रोनी ने अपना अफेयर दो साल तक जैसे तैसे छुपा के रखा था लेकिन 2019 में जब वो मीना के साथ ईतानगर में नए घर में शिफ्ट हुआ था तब मीना ने रोनी के फ़ोन पे चूमी तया के साथ कुछ मैसेजेस देख लिए थे और मीना को 2019 से रोनी पर शक होना शुरू हो गया था क्योंकि रोनी कहीं दिनों तक घर से बाहर रहता था उसका फ़ोन नहीं उठाता था उससे बात नहीं करता था यहाँ तक कि वो अपनी बेटी के बारे में भी नहीं पूछता था और ऐसे ही एक दिन रोनी कई दिनों से घर नहीं आया था तो मीना उस लड़की के घर चूमी के घर पहुंच गई शी न्यू दिस थिंग कि रोनी चूमी के रेंटेड हाउस में उससे मिलने जाता था एंड शी वॉज राइट रोनी वही था और ऐसा नहीं था कि चूमी तया को इनकी शादी के बारे में कुछ पता नहीं था शी न्यू एवरी थिंग एंड कुछ रिपोर्ट के हिसाब से शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस मर्डर बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी बट रोनी और चूमी को एक साथ देखकर एक ही कमरे में एक ही यू नो एम सेंग इट ब्रोक मीना उसे लगा कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी सही चल रही थी उनका दूसरा बच्चा होने वाला था फॉर गौथ सेक्स एंड मेरा पति तीन साल से अफेयर में है पर मीना ने अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए और अपने फैमिली के नाम के बारे में सोचते हुए कुछ भी नहीं बोला रोनी को पर हाँ वो रोनी को डराती थी धमकाती थी ये बोल के कि मेरे साथ ढंग से रहना वरना मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी सब कुछ रोनी वॉज वेरी स्मार्ट उसे पता था कि उससे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पापा एम हैं और उसके पापा उसे कभी भी डिवोर्स लेने नहीं देंगे बिकॉज इट विल अफेक्ट हिज इमेज एंड दैट्स वन रोनी लीशी ने एक बहुत ही ग्रूसम प्लान बनाया रोनी के प्लान के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले मीना को प्रेग्नेंट करेगा ताकि सब को सारी दुनिया को ये लगे और मीना के पेरेंट्स को भी ये चीज़ लगे कि हमारी मैरिड लाइफ कितनी खुश वाली है मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ आई विल ट्रीट हर राइट मैं अपनी बच्ची का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा लेकिन ये सब करते करते वो किलर्स को हायर कर रहा था जो कि मीना को एक स्पेसिफिक दिन पे मार देंगे और इसे ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ था और उसने पूरा प्लान बनाया नोइंग दिस फुल्ली वेल कि उसकी बीवी सात महीने से प्रेगनेंट है आई डों नॉट नो हाउ लो अ पर्सन कैन फॉल ट्वेंटी एथ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी के दिन रोनी एक होटल में अपने दोस्त कपावांग लो वांग से मिलने गया कपा वांग एनी रॉन्ग सो सोया कपांग अंडरग्राउंड गैंग का पार्ट रह चुका था पहले इसीलिए रोनी ने कपांग से कांटेक्ट करा था ताकि वो किलर्स को हायर कर सके कप वांग अपने साथ दो और आदमियों को लेके आया था तने कोहियांग और दथांग सोयांग जिसके बारे में हमने भी बात करी थी इन चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि रोनी दथांग को एज अ ड्राइवर अपने घर रखेगा और फिफ्थ नवंबर को द थांग मीना को मार देगा एंड ही विल मेक इट लुक लाइक इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज़ कि इस प्लान के लिए उसकी बीवी को मारने के लिए उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा था उसको मारने के लिए उसने इन्हें पैसे दिए थे दस लाख रुपए अपनी बीवी और बच्चे की कीमत इस आदमी रोनी लीशी के लिए सिर्फ दस लाख रुपए थी बट कंटिन्यूइंग दिस बैक सब कुछ अच्छे से चल रहा था अक्टूबर को रोनी ने दथांग को एज ए ड्राइवर अपने घर में रख लिया था और मीना भी इस बात से मान गई थी लेकिन सेकेंड नवम्बर को दथांग ने रोनी से कहा कि वो ये प्लान अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है और उसे एक और इंसान की हेल्प चाहिए होगी सब कुछ ढंग से करने के लिए तो रोनी ने कपवांग को फिर से कांटेक्ट किया और कपवांग ने डमृत कोयांग को इस प्लान में शामिल किया कोयांग भी एज अ ड्राइवर काम करता था अपने लिए और फोर्थ नवंबर की सुबह रोनी और दथांग ने खार सिंहसा जाने वाले रोड पर मीना को मारने का डिसाइड करा प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ आने के बाद खोयांग इस रोड पर उनका वेट करेगा और जब मीना की कार उसे दिखेगी तो वो उनसे लिफ्ट मांगेगा जैसे ही गाड़ी थोड़ा और सुनसान जगह पर पहुंचेगी खोयांग मीना पर अटैक करेगा और गाड़ी को झाड़ियों में धक्का मार देगा ताकि वो एक एक्सीडेंट की तरह दिखे रोनी का प्लान रेडी था एग्जीक्यूट करने के लिए अब वो सिर्फ फिफ्थ नवंबर का इंतज़ार कर रहा था चुमी तया वो ही लड़की जिसका रोनी के साथ अफेयर था और विजय विश्वास ये दोनों रोनी के फॉर्म में ही काम करते थे और इन दोनों ने इस क्राइम के लिए मोबाइल फ़ोन्स खरीदे थे ताकि रोनी कापावांग और तथांग ये तीनों एक दूसरे से ढंग से कॉन्टैक्ट कर सकें फिफ्थ नवंबर को रोनी ने बहाना करके मीना को खारसिंगसा जाने के लिए मनाया और खो यंग उनका सड़क पे इंतजार कर रहा था जैसे ही उसने रोनी की इनोवा देखी उसने लिफ्ट मारना शुरू कर दिया तो ये चीज़ देखकर मीना को थोड़ा सा अजीब सा लगा लेकिन दथांग ने मीना से कहा कि ओ oh, मैं इस आदमी को जानता हूँ ये मेरा दोस्त है क्या मैं इसे प्लीज़ लिफ्ट दे सकता हूँ एंड मीना बीइंग द काइंड हार्टेड वुमेन शी वाज उसने बोला कि ठीक है दे दो इसे लिफ्ट और मीना को क्या पता था कि वो अपने मर्डर को ही लिफ्ट दे रही थी उस समय तो खोयांग एक गाड़ी में बैठा ये गाड़ी आगे चली और जैसे ही गाड़ी दुर्गा मंदिर से क्रॉस हुई खोयांग का ये क्यू था और उसने पीछे से हैमर से स्टार्ट कर दिया मीना पे वार करना और उसने इतने बार मीना पर वार करा कि मीना का सर पीछे से क्रैक हो गया था इधर साइड से दैट इज़ वाई जब मैंने तुम्हें तो कार की फोटो दिखाई थी उसमें नीचे पे खून पड़ा हुआ था ना तो ही वॉज हिटिंग हर फ्रॉम द राइट साइड इसलिए जब, जब जब भी वो बाहर निकाल रहा होगा ओ माय गॉड जब जब भी वो बाहर निकाल रहा होगा उससे तो वो खून वहाँ से नीचे गिर रहा होगा ये so yeah. और जब उन लोगों को ये चीज़ कन्फर्म हो गई थी कि मीना अब मर चुकी है वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले उन्होंने गाड़ी को धीरे से धक्का मारा और वहाँ से भग गए उन्हें ये लगा था कि गाड़ी धीरे धीरे करके नीचे खाई में गिर जाएगी बट दैट डिड नॉट हैपन ये जो पूरी चीज मैंने तुम्हें बताई है अभी तक प्रोबली सेम रॉन्ग बट ये सब कुछ बेस है दथंग सुंग और दथंग के confession के बाद एक एक करके सब को करा गया था रोनी को 10th नवम्बर को arrest किया गया एंड इवन ही कन्फेस्ट टू हिस क्राइम कपवांग और तेने को थर्टींथ नवंबर को अरेस्ट किया गया नाइन्टीन नवंबर को दिक रॉन्ग रिवर से मर्डर वेपन भी रिकवर कर लिया गया था एंड फाइनली रोनी की अफेयर चूमी तया और उसके साथ जो काम करता था आदमी विजय विश्वास, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के पास अब सारी चीज़ें थी जो इन सातों लोगों को सजा दिलाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे अक्सर हमें केसेस में देखने के लिए मिलता है कि पुलिस वाले ढंग से काम नहीं करते या तो वो ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते ढंग से एफ नहीं लिखवाते या फिर बहुत ज्यादा ढीले पड़ जाते हैं काम पे लेकिन आई मस्त से दिस थिंग कि अरुणाचल पुलिस ने इस केस में बहुत ज्यादा तमीज से काम करा था बहुत ज्यादा फटा फटाफट काम करा था उन्होंने बाय द वे उन्होंने इस क्राइम को सिर्फ आठ दिन के अंदर सॉल्व कर दिया था ये केस अभी भी ऑन है कोर्ट में तीन साल से ऊपर हो गए हैं इस क्राइम को कमिट करे लेकिन अभी तक इन सातों में से किसी को भी सजा नहीं मिली है दैर इज सो हार्ड ब्रेकिंग स्पेशली फॉर मीना के पेरेंट्स क्योंकि वो इतने सालों से बस इंसाफ चाहते हैं अपनी बेटी के लिए और वो बस कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं हमेशा yeah. लॉयर्स को हायर करते हैं वो पुलिस वालों से जाके बात करते हैं लोगों से बात करते हैं बस इस उम्मीद में कि उनकी बेटी के जान लेने वालों को कुछ तो सजा मिलेगी एंड वन मोर थिंग दैट इज हार्ड ब्रेकिंग इज कि युमिको को कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा एंड शी विल नेवर बी एबल टू मीट दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट मीना के पेरेंट्स कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे और जुम्मी को कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी बस इसीलिए क्योंकि रोनी को किसी और लड़की के साथ

क्या सजा मिलेगी क्योंकि रोनी ऑब्वियसली बात है ही इज फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली सो टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट होप इन दिस केस जस्ट लाइक मीना के पेरेंट्स एंड उनके फ्रेंड्स एंड की तरह शायद इसी वजह से उन्होंने एक पेटिशन बनाया है लोगों से सपोर्ट मांगने के लिए ताकि इन क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेटिशन का लिंक भी दे रखा है अगर आप लोग चाहो तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पटिशन को साइन कर सकते हो मे बी दैट विल भी हेल्पफुल थोड़ा बहुत एट दी एंड आई डो नो हाउ आई फील अबाउट दिस केस लाइक लोग रैलीज निकालते हैं बहुत सारे केसों में होता है ऐसा कि लोग रैलीज निकालते हैं हल्ला करते हैं बातें बोलते हैं मीडिया ऑल्सो कवर्स दीज थिंग्स बट अगर कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है तो मुजरम को पनिशमेंट नहीं मिलती है बहुत बार देख लिया हम लोगों ने यह चीज़ कि इन्फ्लुन्शल फैमिली से पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग बिलोंग करते हैं या फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें कभी भी सज़ा नहीं मिलती है यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं एंड इट जस्ट जज नॉट स्टॉप लेकिन फिर भी आई होप कि मीना और उनके अनबॉर्न चाइल्ड को कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिले एंड आई होप दैट जोमिको विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द स्ट्रामा और इसी के साथ टच ही मीना का केस यहीं पे समाप्त होता है बिफोर यू गो गाइस आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल दैट मेरा नया गाना एस एन सी अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है सो प्लीज़ गो एंड लिसन टू इट इट्स अ फन आर एन बी सॉन्ग अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो एंड स्पेशली अगर तुम लोग अरुणाचल से हो देन गो लिसन टू माई सॉन्ग बट विद दैट आई होप दैट यू इज आर हैप्पी आई होप दैट यू इज आर हेल्दी प्लीज़ कीप योर लॉ डोज वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सोन Bye-bye.